मरहूम सरताज अफजल खान मलकुल मौत बनकर शिवाजी पर टूट पड़ने के लिए कूच कर चुका है। अब आपके ख्वाब मैं पूरे करूंगी, ये एक बेवा का वादा है अपने शौहर की तड़पती हुई रूह से। मल्लिकाए आलिया, लश्कर का एक सिपही सालार किसी अहम सिलसिले में आपसे मिलने के लिए ख्वाहिशमंद है। भेजो उसे। आलिया ने आपको फौरन याद फरमाया। मलिका आलिया, मरहूम आका की कब्र पर शिवाजी का खून चढ़ाने का वक्त आ गया है। ये वक्त शिवाजी के पीछे जाने का नहीं है अफजल खान। खबर ये है कि औरंगजेब बीजापुर की तरफ बढ़ रहा है। उसने बिदर पर पहले से ही कब्जा कर लिया है और उसका अगला निशाना बीजापुर है। वाह, ये खबर हमारे लिए नेक है और शिवाजी को कत्ल करने का इससे अच्छा मौका और कहा मिल सकता है। और उसकी मौत के बाद औरंगजेब बीजापुर से फरार हो जाएगा, वो बीजापुर की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखेगा। मलिका आलिया, आप बाकी से पैसेदारों को उनके पीछे भेज दीजिए और मैं शिवाजी को ठिकाने लगाता हूँ। नहीं, अगर तुम्हारे लौट कर आने से पहले औरंगजेब ने बीजापुर के ऊपर कब्जा कर लिया तो इस वक्त शिवाजी से बड़ा खतरा औरंगजेब है। देखिए मलिका आलिया, मुझे मेरी कसम पूरी करनी थी, एक बार हम शिवाजी को दफन कर दें, औरंगजेब से तो हम यूं ही निपट लेंगे। मलिका आलिया, हमारी दरख्वास्त है
हमें शिवाजी पर हमला करने का हुक्म दीजिए। नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे मरहूम आका की कसम देते हैं, इस वक्त आदिलशाही सल्तनत का सबसे बड़ा खतरा औरंगजेब है। पहले उसे खत्म करो। सोचो, अगर बीजापुर के तख्त पर जहाँ तुम्हारे मरहूम आका का हुक्म चलता था, वहाँ औरंगजेब आकर बैठ जाएगा, तो क्या तुम्हारे मरहूम आका की रूह को चैन मिलेगा? सल्तनत ही नहीं रहेगी तो किस बूते पे आगे बढ़ोगे? तुम्हारे सिवाय और कोई है भी नहीं अफजल खान जो औरंगजेब को रोक सके। इस वक्त तुम्हारे लिए क्या अहम है, शिवाजी या औरंगजेब? तो फिर औरंगजेब की तरफ पूछ लीजिए। अफ़ज़ल खान के कदम शिवाजी की तरफ पड़ रहे थे, लेकिन औरंगजेब की सरकोबी के लिए मुड़ने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ शिवाजी एक एक करके सारे किले जीत कर आहिस्ता आहिस्ता आदिल शाही सरहदों को चारों तरफ से स्वराज के अधीन रखते हुए शक्तिशाली होते जा रहे थे और आदिल शाही सल्तनत खोखली होती जा रही थी। बस इंतजार में था कि कब मुगलों के साथ उसकी जंग खत्म और वो शिवाजी को खत्म करें, लेकिन औरंगजेब से उसका टूट जो शुरू हुआ वो उनका नाम ही। जबकि शिवाजी और अफजल खान बड़ी बेसब्री से एक दूसरे का सामना करने के लिए बेताब थे। सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। सल्तनत का चिराग गुल होने में ज्यादा वक्त नहीं है। हमसे उसका हमें उजूर? हाँ, आपसे मुखातिब है और मुंतजर भी। आपके कदम लड़खड़ाने लगे हैं, इसकी फिक्र कीजिए, सुल्तान है, अगर आप नहीं तो कौन संभालेगा इसे, वरना आदिलशाही सल्तनत भी लड़खड़ाने लगेगी। तख्त शाही के पाए हिल रहे हैं। हाय अल्लाह, कैसे समझाएं आपको, जिस तरह से शिवाजी आगे बढ़ता चला रहा है, हमें एहसास हो रहा है कि बीजापुर के तख्त पर आप नहीं वही काबिज हो जाएगा। बीजापुर के तख्त शाही को मैं खाने में रखवा दी, जाने शिवाजी को जो मेरे अल्लाह, क्या जरा
साल से कम उम्र के थे शिवाजी जब उन्होंने स्वराज का परचम बुलंद किया था। आपके बाबा जान के दरबार में आकर उन्हें धमकी दे गए थे और आप क्या कर रहे हैं? शराब के नशे में डूबकर रंग रलिया? बस मेरे वाले घर के आप खाओ सही अम्बल। हमने आपसे फरमाया था जगह शिवाजी यहाँ आएगा तो उसकी खरखशी का मजा ले। इस वक्त राम का राजा ले। आदिलशाही के वारिस के लड़खड़ाते कदमों पर आंसू बहा रही थी। दूसरी तरफ जीजाबाई खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने शिवाजी को संदेश भेजा। चिरंजीव शिवाजी राजे। शिवबा, कई दिन हो गए आपको गए, आप वापस नहीं आए। हम जानते हैं शिवबा, जब तक आप अपने दादा महाराज की हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लेते आप वापस नहीं आएंगे। परंतु शोभा, एक बार आकर अपने पुत्र को देख लीजिए। वो केवल आपके पुत्र ही नहीं, क्यों समझिए, आपके दादा महाराज आपसे मिलने वापस आ गए हैं। जैसे स्वयं शंभू राजे पधारे हो वैसा ही ओज, वही चेहरे पर तेज, वही तेवर। शिवा, क्या आप अपने दादा महाराज से मिलना नहीं चाहते? जीजाबाई का पत्र जिस समय शिवाजी के पास पहुंचा, वो अपने अभियान की रियासत सारसगढ़ पर भी स्वराज का ध्वज लहरा चुके थे। मछुआरे आपसे सहायता मांगने आए हैं। राजे,
बैठिए बैठिए, पहले भोजन तो समाप्त कीजिए। राजे, भोजन तुम जबरदस्ती का हमारे गले के नीचे से उतार रहे हैं। वहाँ हमारे बीवी बच्चे सब भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। फिरंगियों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। सारा कारोबार, धन दौलत सब लूट ले गए राजे, सब लूट ले गए। हम बर्बाद हो गए राजे, फिरंग सब कुछ लूट कर अपने देश ले जा रहे हैं। नंगे पैर चार दिन की यात्रा करके आपकी शरण में आ रहे हैं। अब आप भी हमारा उद्धार कर सकते हैं। फिरंगी, परंतु वो तो यहाँ व्यापार करने आए थे, फिर उनका इतना साहस कैसे हुआ? उन्हें आदिलशाही हुकूमत से संरक्षण मिल रहा है। और आदिल शाह के इशारों पर ही फिरंगी लूटपाट और आतंक मचा रहे हैं। आप लोग छोड़ो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अब फिरंगी इस देश में ना आपका धन लूट सकेंगे और न ही आप पर अत्याचार कर सकेंगे। और ये आदिलशाही साम्राज्य के मुंह पर एक और तमाचा होगा जिसकी पूछ अफ़ज़ल खान तक पहुंचे, जरूर पहुंचे। Talwar ka zamana gaya, Your Majesty. This is a gun. Gun ka trigger dabaiye, aur aapka enemy khatam. Agar ammi huzoor hoti, तो ये मंजर देखकर बहुत खुश होती। Well, it means बेगम हुजूर यहाँ नहीं है। कहाँ गए बेगम हुजूर? मदीने शरीफ जियारत पर गई हैं। Oh, I see. Very good. ये सब आपके लिए है, Your Excellency. और ये मनी, ये भी आपके लिए है। शुक्रिया। बताइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? No, thank you, Your Excellency. हम गिफ्ट देकर गिफ्ट नहीं लेते, बस थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं आपसे। बताइए, क्या मदद चाहिए आपको? Your Excellency, हमें ऐसे इंफॉर्मेशन मिली है कि शिवाजी हम जो जन विदेश लेकर जाना चाहते हैं, उस कारवां पर वो हमला करने वाला है। हम खुद शिवाजी के खौफ से मरे जा रहे हैं कि कहीं वो हमसे बीजापुर ना ले ले, तो भला इनकी मदद क्या खाक कर पाएंगे? हमें यकीन है आप जरूर हमारा हेल्प करेगा। इस वक्त हमारे जांबाज सिपा सलार औरंगजेब से जंग में मसरूफ है, मगर फिर भी हम आपके लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे। कुछ न कुछ नहीं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारे आदेश शाह है।